हाय, दिस इज राहुल देव एंड वेलकम टू सिनेस्पीक्स। सिनेस्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि मैं कैमरा के अंदर बात करूं या आपसे बात कैमरा कैमरा हाँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ऑपरेशन परिंदे में आपको जब भी आपको ये रोल दिया गया तभी आप क्या महसूस कर रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन संजय गढ़वी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, एक तो इंसान बहुत अच्छे हैं। उनके साथ मैंने एक पहले फिल्म की थी, किडनैप था उसका नाम, कई अर्सा पहले। और जब उन्होंने कोई बोला ये ऐसा फला फला रोल है और ये 24 घंटे की कहानी है और इसमें ये आप करने वाले हैं, तो जाहिर है मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। एक दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि संजय जो खुद गुजराती हैं और किरदार पंजाबी है ये और पगड़ी पहनने वाला है, तो उन्होंने वो लिबर्टी दी मुझे कि मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ। इसके लिए तो ये वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आपको पंजाबी बहुत फ्लुएंट है आपकी पंजाबी? हाँ जी। नोइंग दैट यू डू अ लॉट ऑफ अदर फिल्म्स एज वेल, हर एक लैंग्वेज में आपकी एक फिल्म है। है, मगर बाकियों के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। लाइक अगर तेलुगु कर रहा हूँ या तमिल कर रहा हूँ तो मुझे आती नहीं है। तमिल तेरे थे सर, आई डोंट नो तमिल, बट द थिंग इज कि वो मैं मैनेज कर लेता हूँ बाई हार्ट करके, तो मेहनत होती है। इट्स लाइक गोइंग टू स्कूल। बट पंजाबी इट्स जनरली फ्लुएंट, लाइक आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई स्पीक हिंदी क्वाइट वेल एंड आई स्पीक पंजाबी। आपने इतने सारे लैंग्वेजेस में फिल्म किए हैं, ऐसी कोई लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं आती थी पहले लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी तो सीख ही गए कि ताकि आप लाइक अंडरस्टैंड, यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड नाउ? कभी कभी तेलुगु थोड़ी समझ में आती है, कभी कभी कुछ लाइन्स तमिल में समझ में आते हैं, कन्नड़ में डेफिनेटली कुछ लाइन्स समझ में आते हैं। Nice knowing that. My next question of course would be, the title is Operations Parindey. Of course it gives the whole idea about the movie. Actually Operation Parindey. तो ये टाइटल के पीछे थॉट क्या था? क्या वो ऑपरेशन का नाम ही है, ऑपरेशन परिंदे है, या फिर अलग से नाम रखा गया है? आई थिंक ये जवाब तो एक्चुअली इन ऑल फेयरनेस राइटर या डायरेक्टर को ही देना चाहिए कि ये टाइटल क्यों रखा है, या फिर जीवा को देना चाहिए। अगर मैं देखूँ इसे फ्रॉम अभिनव माथुर जो कि इसमें जो मेन पुलिस जो SPF जो STF चीफ का किरदार है अमित साथ प्ले कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऑपरेशन है जो उन्हें कैरी आउट करना है। और परिंदे यानी कि जो उड़ गए हैं प्रिजन से, तो लिटरली अगर ऐसे देखा जाए तो एक कोड वर्ड में एक है कि भाई वी हैव टू गेट देम बैक, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। Yeah, I got that. And knowing that your dad was a police officer and this whole movie is roaming around like being with the police in the jail and dealing with the police officers, was that a little helpful for you? See, I think what was really helpful for me was the story, the backdrop of the story. Okay. Two, I think then the other help I got in terms of creativity was the look of the character, which made it very authentic. The third help I got from my director was that liberal use of language. क्योंकि ना अगर आपके डायलॉग्स बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आए और आप प्ले कर रहे हैं सरदार, तो कई बार जब एक सरदार हिंदी शुद्ध बोलेगा तो सही साउंड नहीं करेगा, फनी लगेगा। तो उन्होंने मुझे ये अलाउंस दिया कि भाई पंजाबी में बोल सकते हैं कोई कहीं कहीं जगह पर, ऑफकोर्स क्योंकि एक हिंदी फिल्म है तो नेचुरली ज़्यादा लिबर्टी नहीं ले सकता था, मगर कहीं कहीं जगह मैंने डेफिनेटली लिबर्टी ली है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू Z5 एंड टू संजय फॉर दैट। आई हैव गॉट टू नो दैट शूट इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट? द शूट इज नॉट येट डन, सो अभी तक जितना भी शूट हुआ है तो उसमें से आपका कोई फेवरेट पार्ट अगर आपको शेयर करना हो विदाउट रिवीलिंग ऑफकोर्स? शूट का फेवरेट पार्ट, आई थिंक जो मेरा वाला बिट है उसमें मुझे जो, मैं अपनी बिट के बारे में बात कर सकता हूँ, तो मुझे जो इसका फेवरेट बिट यही लगा कि इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर ना, इट्स अ वेरी सटल कैरेक्टर, इट्स नॉट द काइंड ऑफ चिल्लाने वाला या धमकाने वाला या गोलियां चलाने वाला या मार धाड़ करने वाला। एक वो नॉर्मल एंटैगनिस्ट जो होता है फिल्मों का वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इज वेरी सटल, एक ज्ञानी टाइप आदमी, द वन हु ओनली प्लान्स। हां जी, जो सिर्फ प्लान बनाता है। ज्ञानी से मैं ये कह रहा हूं कि जिसने दुनिया देखी हो। ओके, जरूरी नहीं कि खाली प्लान करता हूं।
मोटिवेट भी कर सकता है, अपनी बातों में दूसरे आदमी को मोहित कर सकता है, यू कैन अट्रैक्ट पीपल. आप इस आप लीडर हैं जो इस मूवी में एक गैंग के लीडर हैं, आप सबको लीड कर रहे, तो आपके पीछे कितने लोग हैं? वो मैं आई थिंक फिल्म जब आप देखेंगे तो वही बेटर है, क्योंकि ना अभी कितने लोग हैं कैसे हैं अगर मैं ही बता दूंगा अभी सारा कुछ तो फिर देखेगा कौन है. ओके ओके श्योर. और मेन तो मेरे को यही पूछना था कि आप बहुत सारे विलन किरदार निभा चुके हैं और आपको पुरस्कार भी मिला उसके लिए, विलन के लिए. आपको ये किरदार पसंद है या फिर आप बहुत अच्छे जचते हैं, या फिर क्या रीज़न है सिर्फ विलन प्ले करने का? इस कैरेक्टर ने मुझे इसलिए मोहित किया, इसलिए आकर्षित किया, क्योंकि ये मुझे लगा कि ऑथेंटिक है. एक इसका लुक ऑथेंटिक है, जो हम दर्शा रहे हैं उसको फिल्म कर रहे हैं ऐसे, वो पंजाब है और ये पूरा का पूरा सरदार है. तो एक तो वो जो ओवरलैप है, कई बार होता है ना कि एक ऑर्गेनिक हो जाता है परफॉर्मेंस जब एक, और जो दूसरी बात लैंग्वेज भाई, आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को फिल्म के अंदर, उसकी एक भाषा होगी. तो अगर वो भाषा भी कलोकियल हो जाती है जहाँ के आप हैं, जिस प्रांत के और वहीं की हो जाती है, नेचुरली वो परफॉर्मेंस को थोड़ा और आगे लेके जाती है. तीसरा फिर मुझे पर्सनली सटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक कैरेक्टर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ये सटल है, और क्योंकि ये सटल है और क्योंकि इसने दुनिया देखी हुई है तो कहीं वो कैरेक्टर ठोस है, उसका एक वजूद है, उसमें एक डेप्थ है. सो फॉर एन एंटागनिस्ट पार्ट, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. सो आई एम थैंकफुल टू संजय फॉर आस्किंग मी टू डू दिस. आई एम थैंकफुल टू Z5 फॉर गिविंग मी दिस ऑप्शन. और आखिर में प्लीज हमारे दर्शकों को कहिए कि आपकी ये मूवी जरूर देखें. चैनल का नाम बोलिए. Cinespeaks. Cinespeaks. All the viewers of Cinespeaks, please watch Operation Parindey. It releases on the 20th of February.